वेलकम गाइस, स्वागत है आपका यूनिट नंबर 2 क्वालिटी मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, तो यूनिट आपकी थोड़ा सा लेंदी पड़ेगी बट समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% की कैटेगरी में है। ठीक है, दो बार आई थिंक अभी तो नहीं आया बट आ सकता है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसी का क्वेश्चन का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। टाइप्स पूछ लेगा आपसे, टाइप्स में चांसेस है कि 5-5 नंबर में दो टाइप्स आए, या फिर लॉन्ग में चारों में चारों पूछ सकते हैं, 4-5 जो भी हैं, पर फिर वहाँ पे आपको दो दो नंबर के उससे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, बट मेरे हिसाब से कोई दो पूछ सकते हैं आपसे, तो लॉन्ग में सारे करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि कोई तो पूछ सकते हैं, 100% करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्वालिटी फंक्शंस क्या होते हैं, उसी के आगे डिसेंट्रलाइजेशन वाला क्वेश्चन है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओवरऑल पूरा ये 100% का तीसरा क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी वैल्यू देख लेना, कन्फॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, ये क्वेश्चन जरूर देखना। ठीक है, कॉजेज ऑफ ऑपरेटर्स एरर एंड करेक्टिव मेजर्स, सिंपल क्वेश्चन है कि ऑपरेटर्स से क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, देख लेना। ठीक है, क्वालिटी लॉस फंक्शन क्या होता है, 100%। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ QFD हाउस ऑफ क्वालिटी तो आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपेयर मास जॉब बैच प्रोडक्शन, लास्ट क्वेश्चन है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, उसके बाद आई थिंक एक आध सब्जेक्ट में और पढ़े हो, तो उसी पावर प्लांट वगैरह में कहीं, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना, सिंपल है। ठीक है, पास्ट नॉलेज से आप कर ले जाओगे, इतना पढ़ के जाओ, जितने 100% है उनको एकदम से रगड़ दो और बढ़िया होगा पेपर, तो दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो लाइक एंड कमेंट करके बता। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Thank you.